राधे कृष्णा। तो मेरी आज का वीडियो का टॉपिक है कि कभी कभी अनहेल्दी भी खाना चाहिए हमें। अब आप सोचेंगे कि अरे कैसे डॉक्टर हैं जो कि हमें खाने के लिए अनहेल्दी बता रहे हैं, इन्होंने पढ़ाई नहीं की है क्या, या फिर इन्होंने क्लास के अंदर पीछे बैठे थे कि इन्होंने पढ़ाई की है क्लास में पीछे बैठ के, या फिर ये कभी कॉलेज गए ही नहीं जिसकी वजह से इनको कुछ पता नहीं है, है ना। हमें अनहेल्दी खाने के लिए बता रहे हैं कि अनहेल्दी खाओ। देखिए मैं यहाँ पर आपको कहानी शेयर करता हूँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है सुनने की लॉजिकल और वैज्ञानिक कहानी हमारी बायोलॉजी से जुड़ी हुई, तो उस कहानी को आप सुनिएगा, अदरवाइज़ तो अभी आप जा सकते हैं क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपके पास में अपार नॉलेज है और हमारी नॉलेज तो उसमें बहुत छोटी है। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरू होता है 2019, कोरोना का टाइम होता है। 2019 के एंड में जब कोरोना आता है तो सभी लोगों को डर लगता है कि कहीं उनको कोरोना ना हो जाए, क्योंकि हमने कोरोना से कई लोगों की मृत्यु देखी है, पूरे विश्व में कोरोना ने तांडव मचाया है, ठीक है। अब एक व्यक्ति था हफ्ते में एक बार बर्गर खाने वाला, बाहर की चाट पकौड़ी खाने वाला, उसको कोरोना हो गया, और एक था पूरा हेल्दी रहने वाला, जिम करने वाला, उसको कोरोना हो गया, ठीक है। अब जिम करने वाला व्यक्ति पूरा का पूरा हेल्दी, आज तक उसने जीवन में कभी भी कुछ अनहेल्दी नहीं खाया, उसको कोरोना हुआ, और एक पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाला जो कि हफ्ते में एक बार पिज़्ज़ा बर्गर खाता था, उसको कोरोना हो गया। लेकिन क्या हुआ, ट्रीटमेंट के दौरान में वो जो हेल्दी व्यक्ति था जिसने आज तक कभी अनहेल्दी नहीं खाया, उसकी मृत्यु हो गई, और आश्चर्य की बात जो पिज़्ज़ा बर्गर खाता था वो बच गया। अब सब लोग इस चीज़ से बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं कि ये व्यक्ति कैसे मरा, क्योंकि इसने तो सारी उम्र एक अच्छा हेल्दी खाना खाया है, और ये व्यक्ति पिज़्ज़ा खाने वाला, शराब पीने वाला, ये तो बच गया। हाउ, कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? इसका आंसर हमारे शरीर की बायोलॉजी में है। बायोलॉजी में क्या है, आपको पता है कि आप ही जानते होंगे कि वो व्यक्ति पूरा हेल्दी खाना खाता था और पूरा वो जिम लगाता था, और वो व्यक्ति पूरा अनहेल्दी खाता था और शराब भी पीता था, बीड़ी भी फूंकता होगा, तो वो कैसे बच गया और ये व्यक्ति कैसे मर गया? आपको पता है हमारी बायोलॉजी क्या होती है? हमारी बायोलॉजी ये होती है कि जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर के ऊपर हमला करता है, तो जब वो हमला हमारे शरीर के ऊपर करेगा, तो जो हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरोधक प्रणाली है, यानी कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स, उसके अंदर टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं, वो उस इन्फेक्शन की पहचान करती हैं, उस इन्फेक्शन की पहचान करके उसके विरुद्ध एक सेना तैयार करती हैं अपनी, और उस इन्फेक्शन को लात मार के बाहर निकाल देती हैं शरीर से, ठीक है। ये हमारी बायोलॉजी करती है, हमें पता नहीं लगता। हमें कैसे पता लगता है कि हमें बुखार आ गया है ना, हमारा काम करने का मन नहीं कर रहा है, हमारी डलनेस हो रही है, फीवर हमें लग रहा है, कपकपी हमें लग रही है, ठंड लग रही है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से पता लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्शन हो गया। तो अब आप सोचेंगे कि बुखार तो फिर अच्छा हुआ, क्योंकि जब हीट शरीर के अंदर पैदा होती है तो जो बाहर से आक्रमणकारी हमारे शरीर के अंदर वायरस बैक्टीरिया है वो वहीं पर किल हो जाता है। अच्छा, टी बी सेल और टी सेल्स क्या काम करते हैं? ये वायरस बैक्टीरिया की पहचान तो करते ही हैं, साथ में एक मेमोरी भी बनाते हैं कि जब इस तरह का वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर के ऊपर भविष्य में कभी हमला करेगा, तो हमारे पास में ऑलरेडी फौज उसकी रहेगी। इसी तरह से सारी की सारी वैक्सीनेशन काम करती हैं, ठीक है। आपके अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन डाली गई, आपको पता है कोरोना वायरस की वैक्सीन में क्या था? उसमें कोरोना वायरस था, लेकिन बहुत कम अवस्था में, बहुत छोटी अवस्था में, एक डेड कोरोना वायरस था, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि मैं 10 ml कोरोना वायरस चढ़ा दूँ, आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर आपको 0.1 ml अगर कोरोना वायरस दूँ, तो आपके शरीर उस पर बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स करेगा, उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करेगा, और भविष्य में कभी आपको कोरोना होता है तो आपके पास फौज पहले से ही तैयार है, ठीक है। 10 ml को अगर मैं आपको कोरोना चढ़ाता हूँ तो उसका हो गया वायरस लोड, और अगर ये आपको हो गया तो इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन, कि आपकी इम्यूनिटी हो गई, ठीक है ना। तो आपने समझा कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी कैसे पैदा होती है। अब वो जो हेल्दी खाने वाला व्यक्ति था वो कभी ज़्यादा बीमार नहीं पड़ा, इसलिए उसके शरीर के अंदर इतनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई, बशर्ते वो एक्सरसाइज भी करता था, वो हेल्दी भी खाता था। अब ये स्ट्रीट का फूड खाने वाला व्यक्ति, मोटा सा व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति, स्ट्रीट पर जा रहा है, खुले में खाना खा रहा है, उसको वायरस बैक्टीरिया जा रहे हैं अंदर, जिसकी वजह से बार बार उसकी बॉडी उसको पहचान करती है और उसके खिलाफ एक सेना तैयार कर लेती है, ठीक है।
तो उसके शरीर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ सेना तैयार है ऑलरेडी, ठीक है ना। यानी कि बाहर के खाने वाला व्यक्ति जो अनहेल्दी खाता है हफ्ते में एक बार, उसके पास में पहले से ही बहुत सारी सेना तैयार है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर बार बार इन्फेक्शन होता है और उसका शरीर उसको काउंटर करके बार बार एक सेना को तैयार कर लेता है। लेकिन वही हेल्दी खाने वाला व्यक्ति, वो तो जल्दी से कभी बीमारी नहीं होता। बीमार क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कभी हेल्दी, हमेशा हेल्दी खाता है, बाहर की चीज़ें खाता ही नहीं है, इसलिए उसके शरीर के अंदर जो सेना थी बहुत कम थी। अब जब कोरोना वायरस आया, जब उसने दोनों के ऊपर हमला किया, तो उस व्यक्ति को तो आदत थी इन्फेक्शन से लड़ने की, उसके शरीर को तो आदत थी। उसने कहा कि यार इसको तो रोज का काम है ये, चलो एक और सेना तैयार कर लेते हैं। उसने सेना तैयार की, उसने कोरोना वायरस को किल कर दिया। कोरोना वायरस से जो भी साइड इफेक्ट उसके शरीर के ऊपर हुए, उसने उसको भी किल करना शुरू कर दिया और वो हो गया ठीक। दूसरे वाले व्यक्ति के ऊपर कोरोना अटैक आया, पहली बात तो उसको समझने में टाइम लग गया कि ये कैसे ठीक होगा। उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, कोरोना वायरस से उसने फाइट किया, ठीक है। कोरोना वायरस से जो साइड इफेक्ट हुए, फिर वो उससे फाइट करने में लग गया, तो शरीर की जो एनर्जी बहुत अधिक लॉस हो गई और गलत ट्रीटमेंट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ध्यान रखिए, ट्रीटमेंट, आप जितना लंबा एलोपैथी ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, आपकी मृत्यु उतने ही करीब होगी। वैसे तो सत्य यह है कि हम हर एक सांस के साथ में अपनी मृत्यु के करीब जा रहे हैं। हम जी ही इसलिए रहे हैं ताकि हम एक दिन मर सकें, ठीक है। और हम हर एक सांस के साथ में, जब भी हमारी सांसें कम होती है, तो समझ लीजिए कि हमारी मृत्यु का एक क्षण, एक पल कम हो गया, हम मृत्यु के और करीब और पास में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि दोनों व्यक्तियों को कैसे कोरोना वायरस ने चपेट में लिया और एक व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो गई, ठीक है। अब यही चीज़ हमारे शरीर के साथ में लागू होती है। अगर आप सारी उम्र हेल्दी खाते रहेंगे, तो आपने कभी देखा है कि एक व्यक्ति कंप्लेन ये करता है कि मुझे लीवर का कैंसर हो गया, मैंने आज तक कभी शराब नहीं पी, मैंने आज तक कभी बीड़ी नहीं फूकी, लेकिन वो जो सामने वाले व्यक्ति था वो हमेशा दारू पीता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, वो तो बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये अलग बात है, उससे हमें वो मतलब ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन आपको कभी कभी अनहेल्दी भी खाना चाहिए। अनहेल्दी क्यों खाना चाहिए? ताकि आपका शरीर इम्यून हो। आप अपने बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते, आप अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, आप आपके बच्चों को बाहर नहीं खाने देते। आप कभी देखिए गांव के बच्चे, वो नंगे पैर भागते हैं, मिट्टी में खेलते हैं सारे दिन, और वो शहर के बच्चों से ज़्यादा इम्यून होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा शक्ति होती है। गाँव के अंदर कोरोना से डेथ बहुत कम हुई है, शहर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में हुई है, ठीक है। शहर के अंदर ही बहुत सारे लोगों को नई नई बीमारियाँ मिलती हैं, जबकि गांव के अंदर बीमारियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। कारण यही है, आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी, गांव के लोगों के अंदर इम्यूनिटी बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो बचपन से ही उस एनवायरनमेंट में पले हैं जहां पर उनको वायरस बैक्टीरिया लगातार अटैक करते रहे उनके ऊपर, और उनका शरीर उस चीज़ से इम्यून हो गया। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या कहा। तो मैं दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट को यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि आपको पीना है, लेकिन कभी कभी जैसा आपको मन कर रहा है कि समोसे खाना है, समोसे खा लीजिए, छोले भटूरे खाने हैं, छोले भटूरे खा लीजिए, पकौड़ियाँ खानी है घर पर बना के आप खा लीजिए, ठीक है, उस तरीके से आपने करना है। और कभी भी इन्फेक्शन से डरना नहीं है। आप ध्यान रखिए, आने वाला समय और ज़्यादा डार्क होगा, आने वाले समय में और पता नहीं कौन कौन से इन्फेक्शन का सामना हमें करना पड़ेगा। तो डरिए नहीं, अपना मस्त एंजॉय कीजिए, आप एक्सरसाइज भी कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा अनहेल्दी भी खाइए, ताकि आपका शरीर पहले से ही इम्यून रहे, आपका शरीर पहले से ही आपको प्रोटेक्शन दे, ओके, ठीक है। और ये नॉर्मल बायोलॉजी है, मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया है, ये सारा का सारा मैंने केवल आपको आपके शरीर की क्रियाएं समझाई हैं, ओके। चलिए, प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा से भला करें।